ठीक है, एक और तरीका जो सीख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत तरीका, आप सारे बच्चे ध्यान सुनिएगा, ये तरीका बहुत काम आएगा। पेन चलाने की नौबत आपको आना नहीं चाहिए। सर ये क्या हो जाएगा, 2:3, ध्यान सुनिएगा सारे बच्चे। सर ये क्या हो जाएगा, 20:C, बस ये आखिरी है, उसके बाद हम सीधा सवालों की ओर मूव कर जाएंगे। 4:2 क्या हो जाएगा, 5। ठीक, चलिए सर, बैलेंसिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम बोले सुनो, पहला इंपॉर्टेंट, जो पहला इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चीजें कॉमन आपको दिख रहा है वो आपको डायगोनली होना चाहिए। सर वो तो लिखा हुआ डन पाला। सर देखिए अब वैल्यू को देखिए, सर ये दो कॉलम में बटा हुआ, पहला कॉलम और ये आखिरी कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये लास्ट कॉलम, डन, दो कॉलम हो गया, डन। आइए सर आपको किस तरह से लिख रहा है, हम बोले देखिएगा, ए अनुपात बी अनुपात गाइस कितना, सी। अब देखिए सर कुछ नहीं करना, ए के लिए क्या करोगे, हम बोले फर्स्ट कॉलम में जितने एलिमेंट है सबको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 4 × 2 बोलोगे 8, डन। हम बोले हाँ सुनिए, सी क्या, आखिरी एलिमेंट, आखिरी के लिए क्या करेंगे, आखिरी कॉलम को सबको इंटू करके रख दो। सर 5 × 3 क्या हो जाएगा, इस बोलो 15, डन हो गया कि नहीं, 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15, ध्यान सुनिएगा। अब बी के लिए क्या करते हैं, बोले सुनो, जिन बच्चे में से आपने से एबीसी नहीं सीखा, ध्यान सुनो, इधर ए बी सी डी जो भी अगर हम लिखते हो ध्यान सुनिएगा, तो करते क्या हम, सर बी पे जाने के लिए गाइस एक एलिमेंट को छोड़ना पड़ता, सी पर जाने के लिए कितना एलिमेंट छोड़ता है, सर दो, ए बी दोनों छोड़ना पड़ता, डी पे जाने के लिए कितना, 1, 2, 3। ठीक उसी तरीके से गाइस यहां पर एक बार मूव कर लीजिए, बी पर जाने के लिए कितने एलिमेंट छोड़ेंगे, सर एक एलिमेंट छोड़ना होगा। फिर आप सवाल करो, सर एक एलिमेंट कहां से छोड़ू, हम बोले गाइस आपको फर्स्ट कॉलम से छोड़ना पड़ेगा। फिर आप सवाल करोगे फर्स्ट कॉलम के टॉप से या बॉटम से, तो गाइस फर्स्ट कॉलम के ऊपर से देख लोगे, टॉप से, ठीक है, चलिए टॉप से, बहुत बढ़िया। सर तो क्या करें, ऊपर से टॉप से फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, दो, तो सर दो को छोड़ दिए, क्या करेंगे इसके बदले में, क्या लेंगे इसके सामने जो भी एलिमेंट होगा, डन, इतना सा कर लीजिएगा। तो 4 × 2 मत लीजिए, इसके बदले 3 लीजिए, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12, और ये क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, जिन बच्चे को तकलीफ होगा वीडियो दोबारा देखिए। ठीक है, चलिए एक और सवाल इसके ले लेते ताकि आपकी स्क्रीन पर सब कुछ क्लियर हो जाए। चलिए अगला सवाल देखिए, सेम सवाल है, ताकि आपको यहां से क्या होगा, सब कुछ क्लियर होने वाला, ध्यान सुनिएगा। ए अनुपात बी का मान कितना दिया गया, देखिएगा 4:2 क्या हो जाएगा, बोलो 4:2 क्या हो जाएगा, 3, आप समझिएगा यहां से। ठीक है, 20:C का जो मान होगा गाइस कितना हो जाएगा, बोलिएगा 9:2 क्या हो जाएगा हमारा, 5, डन। ठीक है सर, आगे बोलिएगा, बोले C:D का मान क्या होगा, ध्यान सुनिएगा, ये हो जाएगा हमारा 7:8। बस आप देखिए बैलेंसिंग का वो तरीका जो मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया। ठीक है, आइए सर क्या करें, बोले देख लेते क्या करते हैं, ये होगा गाइस ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात क्या होगा, डी, गुड गुड। आइए बात करते हैं, सर ए के लिए आपने कहा था कि सभी एलिमेंट को क्या कर लो, इंटू कर लो, क्योंकि देखो ये डायगोनल लिखा हुआ है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कितना हो जाएगा, 63 × 4 मतलब कितना होगा, 250 गाइस कितना, 2। आइए सर बी के लिए एक एलिमेंट छोड़ना होगा, ऊपर से छोड़ दिए, इसके बदले किसको लेना पड़ेगा, हम बोले किसको लेंगे गाइस, 3 को लेंगे। तो देखिएगा 67 × 63 कितना होगा, 3 मतलब 180 क्या हो जाएगा, बोलो 9, 180 क्या हो जाएगा, 9, समझिएगा। अब सर बी के भी सी के लिए दो एलिमेंट छोड़ना होगा, ऊपर से क्या छोड़ सकते, दूसरा एलिमेंट क्या, 9, इसके बदले क्या लेना पड़ेगा, हम बोले 5 को, 7 × 5 = 35 = 105, डन हो गया सर, आ गया, डन, क्लियर हो गया। हम बोले चलो डी के लिए क्या, सर वो तो आखिरी एलिमेंट है, हम आखिरी वाले को इंटू करें, हम बोले बहुत बढ़िया, और 45 × 3 कितना हो जाएगा, 120, तो ये हो गया। सवाल पूछा गया सर हमको एडी चाहिए, हम बोले एडी चाहिए, लो सर हमको एडी चाहिए, तो बाबू बताओ एडी एडी का मान कितना होगा, सर एडी का मान कितना हो जाएगा, 252, और डी का मान कितना हो जाएगा, देखो यहां पे, तो 24 से कटा दूं क्या, तो 12 से कटा दूं, 12 × 2 = 24, 12 × 12, और यह हो जाएगा 12 से कितना, 10 बार में, कौन सा आंसर गाइस, देख लीजिए 21 अनुपात कौन सा, 10, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के गाइस बैलेंसिंग भी आपसे हो सकता है, पूछ ले, ऐसा ही के सवाल प्रीलिम्स के बहुत टफ नहीं होते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, सवाल क्या बोला, बोला कि सर देखिए एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों का जो अनुपात रहा 12:1 कितना रहा है, 11, समझिएगा इसका मतलब मेल और फीमेल। चलिए सर ये मेल रही है, ये है ना, ये फीमेल, आगे सर ये क्या हो जाएगा, इसका 12:1 कितना, 1। तो हम सवाल बोला सर टोटल जनसंख्या जो है शहर का इतना है, बोले अरे इतना है, हमको तो उतना नहीं दिख रहा, हम बोले ये 12 और ये 11 जोड़ के देखे, तो हम बोले सर टोटल जनसंख्या हमारे हिसाब से तो 23 होना चाहिए, तो सवाल बोला नहीं 23 नहीं है, इतना है, बोले हमारा 23 तुम्हारे इतने बराबर, समझ में आया कि नहीं, तो सर हमारा 23 का जो मान होगा बाबू ये किसके बराबर होगा, इसका 4, 6 और कितना जीरो है उतना चिपका देना, ठीक है, क्योंकि जीरो चिपकाना और हटाना अर्थमेटिक का नाम है, याद रखिएगा, ये एक्स वाई जेड नहीं मानूंगा वरना आपको मानने दूंगा। ठीक, चलिए सर 46 करेंगे दो बार में, ठीक है, तो यहां पर है ना एक बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, एक का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, देख लो यहाँ पे 23, क्लियर है, एक का मान इतना आ गया, हम बोले सर तो पूछा था सर फीमेल की, तो फीमेल का मान कितना, 11 बराबर, तो सर 11 गुने क्या कर दे, हम बोले देख लो 11 गुने क्या कर लेंगे आपको, ठीक है 20,000 करके चिपका दो, 11 × 2 कितना हो जाएगा, बोले 22, तो देख लो 22 पर कहां जीरो चिपका है आपको, देख सकते हैं एक बार, ठीक है, तो 22 × 4 = 0 कौन सा ऑप्शन का जो फटाफट से टिक करिए और आगे निकलिए, ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से सर टाइप 2 क्या, हम बोले ध्यान सुनिएगा, यही वो सवाल है जहां पे आप में से ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, क्योंकि आपको रेशियो का रियल मान और रेशियो में फर्क समझ नहीं आती है। हमने क्या बोला था अभी आपको, सर किसी रेशियो का अगर जोड़ना हो या घटाना हो या उसके स्क्वायर करके किसी बराबर करना हो तो उसमें रियल मान में चेंज करना, बोला सर कोई दो नंबर है जिसका रेशियो कितना दिया, 3:1 कितना, 4, हम बोले दो नंबर किसको ले लोगे आप, हम बोले ए और बी ले लो भाई खत्म, सर ये नंबर कितना हमारा, बोले 3:1 कितना, 4, क्या 3:1 कितना गए, 4, तो यहां पे इसको रियल मान, क्योंकि आगे बोला है कि इसका स्क्वायर, देखो यहां पे इसके वर्गों का योग 900 है, तो जो वर्ग करोगे मतलब स्क्वायर करोगे इसका रियल मान चेंज कर लेना, सर रियल मान क्या होगा, हमने 3x और 4x, ये काम जरूर कर लेना। ठीक, चलिए अब सवाल क्या बोला, हमने क्या बोला सर इसके वर्गों का योग, तो वर्ग कर दो नहीं स्क्वायर कर दो गाइस फटाफट से आप लोग, ठीक है सर इसका स्क्वायर कर दो, हमने कर दीजिए गाइस कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 900, बात क्लियर हुआ, हमने ठीक है सर ये हो जाएगा हमारा 9x² प्लस का ये हमारा 16 का गाइस क्या होगा x² बराबर क्या हो जाता है, बोलो 900, ठीक है, तो सर ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने 25 का x² गाइस बराबर 900, और यहां से अगर आप कटा देते हैं तो ये हो जाएगा 36 बार में, तो गाइस ये x² बराबर क्या हो जाता है
36 और x का मान यहां से गया, आपको क्या निकल गया 6। अभी x का मान निकला, रुक जाइए, सवाल बोला सर संख्याएं कितनी होगी, हम बोले संख्याएं कितनी होगी, पहला संख्या 3x होगा, इसका मतलब क्या 6 का मान चिपका दो, 3 गुने 6 का मतलब पहली संख्या गाइस 18 होगी हमारा, डन। और दूसरी संख्या हमारा गाइस क्या हो जाएगा, 4 गुने कितना 6 मतलब 24। तो आप समझ सकते हैं कि 18 और 24 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे कोमा देना भूल गए थे, देख लो 18 और 24 ऑप्शन नंबर क्या 80 है, ठीक है। तो इस सवाल में बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, हो सके यहाँ पे दो वेरिएबल दिया है आपके सामने, हो सके वो 3 वेरिएबल लेकर के आ जाए, लेकिन हमारा प्रोसेस नहीं बदलेगा, आप इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, बोला सर देखिए 50 पैसे का, 25 पैसे का और 10 पैसे का कुछ कुछ क्या है, कॉइंस हैं। अब कॉइंस की संख्या का रेशियो दे दिया, 5:9 कितना हो जाएगा बोलो, 4 हो जाएगा, ठीक है, 5:9 हो जाएगा, ठीक। आइए ध्यान सुनो, अब टोटल जो है सो कलेक्शन जो हुआ इन सिक्कों से वो 206 रुपया हुआ, कितना 206। हम क्या बोले, ध्यान सुनो मेरी बात, समझो सर 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के कुछ सिक्कों की संख्या एक बैग में रख दिया है, टोटल के कलेक्शन करो 206 मिलेगा और उसकी रेशियो दिया हुआ, तो ये रेशियो को रियल मान लो ना, मान लो मानने में क्या जा रहा है भैया, मानने तो अलिया को भी मान लेता, अरे नहीं नहीं अलिया तो किसी को हो गई ना, किसी को और को मान लो, ठीक है, बहुत कोई मानने के लिए भैया आओ आओ सर। 50 पैसे का जो है भैया 5 सिक्का है, 25 पैसे का सर ये 9 सिक्का, 10 पैसे का 4 सिक्का है, तो बोले ठीक है सर इसका कौन सा बताओ ना, बोले एक ही काम करना, अगर वो बैग में टोटल रुपीज दिया है तो टोटल रुपीज को टोटल रुपीज के बराबर करो मेरे दोस्त और कहानी खत्म करो। सर रुपीज को मतलब पैसे को रुपीज बदलना पड़ेगा, हम बोले हाँ बदलना पड़ेगा, चलो बदल दे, हम बोले बताओ 50 पैसे का 5 सिक्का क्या रुपया हुआ, अरे सर ये तो 2.5 रुपया हुआ, 2.5 रुपया, बहुत बढ़िया। सर 25 पैसे का 9 सिक्का कितना रुपया हुआ, हम बोले 2 रुपया 25 पैसा, रुपीज बदल दो सबको, सर ये 2 रुपया 25 पैसा हुआ, बहुत बढ़िया। सर 40 10 पैसे का 4 सिक्का मतलब 40 पैसा मतलब इसको रुपीज बदलोगे तो 0.4, सर टोटल कितना हो जाएगा बताओगे क्या, हम बोले बेटा टोटल जोड़ोगे ना तो टोटल हो जाएगा 5 रुपया 15 पैसा। सवाल बड़ा सर हमारा तो 5 रुपया 15 पैसा है ही नहीं है, हमारे हिसाब से बैग में 206 रुपया है, हम बोले मेरा इतना का मान तुम्हारे 206 के बराबर होगा, तो कटा देना बाबू, एक रेशियो का मान आ गया कितना 40 और एक रेशियो का मान आ गया मतलब सवाल ने दम तोड़ दिया, क्यों बताऊं, क्योंकि सर देखो यहां पे 50 पैसे 25 पैसे समझिएगा 25 पैसे और 10 पैसे का सिक्कों का आपको समझ में आएगा क्या रेशियो, सर ये रेशियो है ना ये 5:9:4, हम बोले बाबू सबको 40 से गुना करके रख दो, सर इसको 40 से गुना कर देंगे, हम बोले हाँ कर दो, तो सर 4×5 कितना 20 मतलब यहाँ पे 200 सिक्के होंगे किसका, सिर्फ 50 पैसे का, सर इसको 40 से गुना कर दूं क्योंकि एक रेशियो मान 40 तो यहाँ पे 360 सिक्के किसके होंगे 25 पैसे के, इसको 40 से गुना करो ना, हम बोले गुना कर दिए, सर ये हो जाएगा 160, तो 200 360 और क्या 160, देख लो ऑप्शन नंबर गए सी। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपकी स्क्रीन पे क्लियर रहा होगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक लाइन में सवाल खत्म।